भारत में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर रोज़ 50,000 से भी ज़्यादा केसेस आने लगे हैं, बल्कि इतना ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सभी देशों में ये रेस लगी है कि कौन सा देश सबसे पहले कोरोना वैक्सीन निकालेगा। फिलहाल रूस का बयान तो आया है कि उसने कोरोना वैक्सीन निकाल ली है, लेकिन लोग उस पर अभी तक श्योर नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि क्या रशिया की वैक्सीन रियल है या नहीं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ऐसे ही और अमेजिंग अपडेट्स और फैक्ट्स जानने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रशिया ने ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना ली है। रूस का ये दावा था कि वो 12 अगस्त को कोरोना वैक्सीन रजिस्टर करवा देगा, लेकिन रशिया ने ऐसा 11 अगस्त को ही कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने इस वैक्सीन को बिल्कुल कारगर बताया है और इसकी एक डोज उनकी बेटी को भी दी गई है, जो कि बिल्कुल सफल रही है। इस वैक्सीन को रशिया के गमाले रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सितंबर में इस वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में इस वैक्सीन को बड़ी संख्या में दिया जाएगा। अब इस वैक्सीन के ऊपर बहुत से बड़े वैज्ञानिक बहुत से सवाल भी उठा रहे हैं, और वे सवाल क्यों उठा रहे हैं इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि इस वैक्सीन के ट्रायल्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है जितनी बाकी देशों की वैक्सीन के बारे में है। इस वैक्सीन को तैयार करने वाले इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के दूसरे और तीसरे ट्रायल्स के रिज़ल्ट सार्वजनिक नहीं किए हैं। दूसरा बड़ा रीज़न ये भी है कि इस वैक्सीन का सबसे बड़ा और अहम ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ है, जिसमें हज़ारों लोगों की संख्या को ये वैक्सीन दी जाएगी। बहुत बड़े बड़े देशों ने जैसे USA, कनाडा और ब्रिटेन ने रशिया की वैक्सीन पर ये आरोप लगाए हैं कि रशिया अपनी वैक्सीन को बनाने के लिए उनके फॉर्मूले चुरा रहा है। रशिया पर यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर रशिया की वैक्सीन का सबसे बड़ा और अहम ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ था तो रशिया ने ये जानकारी दी ही क्यों। रशिया ने इस कोरोना वैक्सीन का नाम Sputnik 5 रखा है। अगर ये रशिया की कोरोना वैक्सीन रियल होती है तो ये जल्द से जल्द पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी, जो कि भारत और पूरे विश्व के लिए राहत की बात रहेगी।